हे 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 ला 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 सामने होले भाई रे नीचे इसका दी। मैं सबसे पहले अगरिया समाज का बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं मेरे भाई बंधु मेरे अगरिया समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं संचालक और अध्यक्ष को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं उमरिया जिला का एक सचिव पद पर विराजमान हूँ जिसका मुझे पूरी तरह से जो सम्मान मिला अपने उमरिया जिले में उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं एक JDS स्कूल में पढ़ता था तो मेरे जब मैं JDS स्कूल में पढ़ता गया तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ जो मेरे सुविधा को मिला मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मेरे समझता था कि मेरी समाज आज कहाँ है लुप्त होता जा रहा है। मेरे को लगता था कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ। पढ़ाई लिखाई होने के बाद मैं अपना गांव आया यहाँ मेरी माता जी भी विराजमान है मेरा स्वामी विराजमान है। मेरे को लगता था मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे को लगा मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ। मैं जब तक ये तन रहेगा वैसा जब तक समाज रहेगा तो मैं अपने लगता था कि मैं कुछ अपने समाज के लिए करूँ। मैं सबसे पहले अपना पढ़ाई होने के बाद अपना गाँव आया गाँव आने के बाद मेरे को लगता रहा कि मैं तो अपना जीवन जी रहा है मेरा समाज जी रहा है मैं कुछ समाज के लिए कुछ करूं। अरे समाज के लिए कुछ देगा नहीं अच्छा कर्म जाएगा मेरे को लगा अपने समाज के लिए। मेरे गांव में सबसे पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने शासन और प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट किया उसके लिए कोई ध्यान नहीं है। जब इस बार 2000 देश का चुनाव है तो मेरे को लगा कि मैं शासन प्रशासन से अपना लड़ाई लड़ूँ। मैंने पूरे गांव वाले इकट्ठा किया गांव वाले इकट्ठा करने बाद मैंने 10 दिन पहले प्रशासन और प्रशासन को मीडिया के माध्यम से मुल्क में जानकारी दिया। जानकारी देने के बाद शासन जिस दिन चुनाव था उस दिन शासन वार्ड कलेक्टर साहब मेरे गांव आए। मेरे गांव में जितने भी चुनाव से पहले वहाँ चुनाव से पहले जब शासन प्रशासन मेरे से पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बोला मेरे गाँव में बहुत बड़ी पानी समस्या है आज़ादी के 70 वर्ष हो गए मेरे गांव में इतनी बड़ी पानी समस्या बहुत बड़ी ऊपर डैम बना है संजय गांधी ताकि उससे भी पानी कोई विडम्बना के बड़े खड़ा है और शासन और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने वहाँ के लोगों को समझाया कि जब तक हमारे पानी की समस्या जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा आप लोग का भी कुछ वोट मत डालना। मेरे गाँव के जितने भी हैं मैं अपने गाँव में मेरा अलग समाज के 2 ही परिवार है और पूरे जो है किसान परिवार है मगर मैं अपने शिक्षा की बदौलत आज जो मैं खड़ा हूँ अपने गांव में मेरा गांव आज मेरा बहुत देश मानता है और स्वीकारता भी है। मैं उस पानी की समस्या को देखते हुए वहाँ के शासन और प्रशासन जब मेरे गांव आए उन्होंने लिखित में मेरे को फरमान दिए कि आपका 1 महीने के अंदर आपके गांव में पानी आ जाएगा। उस कार्य को मैंने उसके बाद प्रारंभ किया शासन प्रशासन के बाद फिर मैं पुणे गया और आज मेरे गांव में पूरे फायदा में पानी चल रहा है। तो मेरे भी जिज्ञासा होता कि ये समाज में समाज तो हमें एक दूसरे से जोड़ती है संगठित करती है मैं तो गांव में जुड़ी कर रहा है और मेरा समाज बहुत दुष्ट होता जा रहा है। मैं क्यों ना जब अपने गांव में इस तरह का कार्य कर सकता हूँ क्यों ना अपने समाज में क्यों ना कर सकता है। समाज आज जो भी मेरे दुख में साथ देगा आज मेरे को पहचानेगा मेरा समाज आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है यूट्यूब का जमाना है सब कुछ आज आदमी एक दूसरे से वार्तालाप कर सकता है। तो मैंने भी ऐसे किया मैं एक कार्यक्रम में गया इसी साल का कार्यक्रम था मैं गया एक ढुलिया गांव गया अपने समाज का कार्यक्रम में गया तो ऐसा लगा वहाँ जाने के बाद वहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। वहाँ सबसे पहले मेरा संपर्क श्री राम सुनवर जी से संपर्क हुआ और अभी संपर्क हुआ।
मेरे को देख लगा ये समाज ही बताई कितने अच्छे अच्छे कार्य करता है और अच्छा ही कार्य हो रहा है, क्यों ना मैं इसमें सम्मिलित हूँ। वही दिन में मैंने जिज्ञासा हुआ, मेरे को आज तय लगने लगा क्यों ना मैं इस समाज का जो एक भागीदारी बनूं। मैंने वही दिन से शपथ लिया कि जब तक मेरी सांस रहेगी, जब तक मेरा अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं होगा 2025 का, तब तक मैं अपने समाज के लिए जितना भी होगा खून पसीना एक करके मैं अपने समाज में लगा लूंगा। जितने भी जैसा भी होगा, आदमी आए तूफान आए, तब भी मैं अपने विडम्बना नहीं होने दूंगा। मेरा एक मेरा खुद का मन का विचार है। मैं वहां से आने के बाद जब उमरिया जिला का संगठन हुआ तो वहां उसके बाद हमने कार्यक्रम कराया। कार्यक्रम का एक छोटा सा काम सिंपल ऐसा लग रहा है कि ये बुजुर्ग इतना हमारे समाज के लिए उनकी उम्र छोटे जब ये कर सकती इतना बड़ा कार्यक्रम सोच सकती इतनी बड़ी सोच अपने मन में ला सकते हैं तो इतना बड़ा बुजुर्ग 55 साल की उम्र में अपने समाज के लिए सोच सकता है, क्यों ना हम लोग सोच सकते हैं। मैंने वहीं से अपना संगठन का पहला ही पूर्ण रूप से वहीं एक समिति का गठन करवाया। जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष वहां जितने भी हमारे अध्यक्ष थे मैं वहीं मेरे साथ गुरु जी गए थे। गुरु जी इससे वंचित थे, जो आप जिला अध्यक्ष उमरिया के पढ़ते हैं वही इस बात को नकार रहे थे कि क्या है कुछ होगा इससे, हम सरकारी वर्कर हैं कुछ होगा ऐसा वैसा बोल रहे थे। मैं वही नहीं समझू, देखिए आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे संगठन भी अच्छे अच्छे कार्य करता है। मैंने सोचा नहीं गुरु जी आप अपने मन में पोस्ट दीजिए, मगर आप मत सोचिए सकारात्मक साथ आप चलिए मेरे साथ। मैंने सिंपल गया, सिंपल जाने के बाद वहाँ कम से कम 20-25 लोग थे। वहाँ ऐसा लगा कि हमारे समाज के लिए बहुत कुछ बुजुर्ग है और युवा है, विचार ऐसे कैसे उत्पन्न हुआ मेरे को लगा नहीं। मैं गुरु जी को वहां लेके गया, वहीं से एक वीडियो पर निकला।